दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा Xiaomi का ब्लैक गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अविनाश शर्मा और स्वागत करता हूं आप लोग सबका एक्सक्लूसिव अभी YouTube चैनल में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि एक्सक्लूसिव अभी इस चैनल में मैं इस टाइप का बहुत सारा टेक्निकल वीडियो प्लस गैजेट रिव्यू और टेक न्यूज लेके आते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। Xiaomi ने अपना पहला गेमिंग स्मार्टफोन जिसका नाम रखा है ब्लैक शार्क, उसको चाइना के मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ये मोबाइल रेजर फोन के साथ जो कि और एक गेमिंग स्मार्टफोन है उसके साथ कम्पीट करेगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इस स्मार्टफोन में आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है और इसका डिजाइन जो है वो रोबस्ट है और हाई इन स्पेसिफिकेशन भी इसमें दिया गया है। जैसे कि आप लोग ने रेजर फोन में देखे होंगे ब्लैक एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन, वो सेम कॉम्बिनेशन इस ब्लैक शार्क स्मार्टफोन में भी रहेगा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि जो इसका प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 845 जो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है वो रखा गया है। अगर आपको ग्राफिकल इंटेंसिव गेमिंग खेलना बहुत पसंद है तो एक बार इस स्मार्टफोन को जरूर देख लीजिएगा। 13 अप्रैल से ही ये स्मार्टफोन चाइना के मार्केट में अवेलेबल हो गया है और जिसमें आपको 2 वर्जन मिल रहा है, एक है 6GB रैम और 64GB फोन मेमोरी और दूसरा है 8GB रैम एंड 128GB फोन मेमोरी। 6GB रैम वाला वर्जन का दाम चाइना में रखा गया है लगभग 31,200 इंडियन करेंसी में और जो 8GB रैम है उसका दाम रखा गया है लगभग 36,300 इंडियन करेंसी। इसका कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आप लोग को बोल देता हूँ। इसमें आपको 5.99 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा जिसका रिजोल्यूशन होगा 2116x1080 पिक्सल। लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको 120Hz का पैनल नहीं मिल रहा है जो कि पहले रिमर के हिसाब से ये 120Hz पैनल इस स्मार्टफोन में मिलने वाला था। इसका डिस्प्ले में 550 nits ब्राइटनेस है और 97% कलर गेमर रखा गया है। स्नैपड्रैगन 845 चिप के साथ इसमें एड्रीनो 630 GPU भी ऐड किया गया और इस स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 8.0 ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाएगा। एक बार बात कर लेते हैं इसका कैमरा के बारे में भी। इसके रियर में आपको 12 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा मिल रहा है जिसमें ऑटो फोकस भी रहेगा और डुअल फ्लैश भी आएगा जिसका अपर्चर है f1.75। फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है जिसका भी अपर्चर है f1.75। बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4000mAh का बैटरी मिलेगा जिसमें आपको क्विक चार्ज 3.0 भी सपोर्ट कर रहा है और USB टाइप सी पोर्ट भी आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाता है। Xiaomi का इस ब्लैक शार्क गेमिंग स्मार्टफोन में आपको एक वन टच शार्क की भी मिल जाएगा और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है जिससे आप वन टच साइलेंट मोड एक्टिवेट कर सकते हैं और गेमिंग के टाइम पे DND को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको एक गेम पैड भी आएगा और उस गेम पैड को आप स्मार्टफोन का साइड में कनेक्ट कर सकते हैं। इस गेम पैड में आपको ब्लूटूथ 4.0 प्लस 150mAh का बैटरी भी आपको मिल जाता है। लेकिन आपको इस गेम पैड को अलग से परचेस करना पड़ेगा और जिसका प्राइस लगभग इंडियन करेंसी में 1860 रुपये रखा गया है। इस स्मार्टफोन का गेमिंग परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए कंपनी ने इसमें एक डेडिकेटेड इमेज प्रोसेसिंग चिप भी दिया गया है जो कि बनाया है पिक्सल वॉक्स ने। ये चिप ऑफर करता है इंटेलिजेंट मोशन कॉम्पेंसेशन, डार्क स्क्रीन डिटेल प्रोसेसिंग एंड इमेज एनहेंसमेंट भी दिया गया है ताकि गेमिंग के टाइम में आपका वीडियो क्वालिटी जो है वो स्मूथली चले। कंपनी ने एक स्टाइल में एंटीना भी डिजाइन किया है ताकि आप जब मोबाइल को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में गेम खेले उस टाइम में आपका नेटवर्क इशू ना हो। तो दोस्तों Xiaomi का ये लेटेस्ट ब्लैक शार्क गेमिंग डिवाइस के ऊपर जो मुझे मालूम था वो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस गेमिंग डिवाइस के बारे में और उम्मीद है कि जल्दी ये डिवाइस इंडिया में भी लॉन्च हो ही जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखिए।